आज हम बात करने वाले ऐसे एक बीमारी के बारे में जो दिमागी डिसऑर्डर है, और ये बीमारी मोस्टली 55 साल एज होने के बाद ही देखने को मिलती है, और इस डिजीज का नाम है पार्किंसन। अगर हम बात करें कि पार्किंसन होने के पीछे कारण क्या होते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कोई भी रीजन की वजह से न्यूरॉन्स मरना शुरू हो जाए, या फिर कोई भी रीजन की वजह से न्यूरॉन्स के अंदर गड़बड़ी आ जाए। इसके अलावा हमारे दिमाग के अंदर जो हैप्पी हॉर्मोन्स बनता है, मीन्स जो डोपामिन बनता है, वो बनना कम हो जाए या फिर बनना बंद हो जाए, तो उसकी वजह से पार्किंसन की बीमारी होती है। और इसके अलावा पार्किंसन एक जेनेटिक बीमारी भी है। अगर आपकी फैमिली में किसी को पार्किंसन है, तो उसकी वजह से आपको भी फ्यूचर में पार्किंसन हो सकता है। पार्किंसन की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती है। स्टार्टिंग में आपके हाथ पैर कांपते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, ऐसी प्रॉब्लम होना, नींद का ना आना, और जब ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए, तो आपका जो दिमाग था वो काम करना स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपको भूलने की दिक्कत आती है, चलने में, फिरने में, बात करने में, खाना खाने में आपको दिक्कतें आती है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो आयुर्वेद के अंदर 3 औषधियाँ बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, ब्राह्मी, शंखपुष्पी एंड कौश बीज। इन तीनों औषधियों को आपको लेके आने अक्खा, और इन तीनों औषधियों को कुट पीस के इसको पाउडर बना लें, और इन तीनों औषधियों को आपको लेना होते संभाग, मीन्स आप इन तीनों औषधियों को लेना होते समान मात्रा में। ब्राह्मी एंड शंखपुष्पी आपके दिमाग को ताकत देने का काम करती है, आपकी जो ब्रेन के फंक्शन है उसको इम्प्रूव करने का काम करती है, और कौश बीज आपके दिमाग के अंदर जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, जो डोपामिन है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है। अब बात करते हैं कि आप इस औषधियों को किस तरह से इंटेक करना है। आप इस औषधियों के पाउडर को दिन में 2 बार इंटेक करना है, ब्रेकफास्ट से 1 घंटे के बाद, डिनर के 1 घंटे के बाद। आपको 1 चम्मच लेना इस पाउडर का, और गर्म दूध के साथ इसको इंटेक करना है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसके साथ और एक औषधि इंटेक कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जो पार्किंसन की प्रॉब्लम थी उसको खत्म करने में आपको जल्दी हेल्प हो सके। उसके अंदर आपको लेना है ब्रह्म रसायन। जिस तरह से च्यवनप्राश आता है, उसी तरह से चटनी के फॉर्म में ब्रह्म रसायन आता है। 1 चम्मच ब्रह्म रसायन आपको लेना होते गाय के गर्म दूध के साथ। 1 गिलास आप ले ले गुनगुना दूध, और उसके अंदर आपको डालना है 1 चम्मच ब्रह्म रसायन। दोनों चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको इंटेक करें, और मॉर्निंग खाली पेट इसको इंटेक करने के बाद आपको एटलीस्ट 1 घंटे तक कोई भी चीज़ को इंटेक नहीं करना है। ये सभी औषधियाँ पचन में हैवी होती है, तो ऐसे लोग जिनको डाइजेशन का इश्यू है, तो उन लोगों को पहले डाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद ही इस औषधि को शुरू करें। और इसके अलावा आप मॉर्निंग 1/2 घंटा और शाम को 1/2 घंटा प्राणायाम जरूर करें। और स्पेशली अगर हम बात करें तो अनुलोम विलोम एंड भ्रामरी प्राणायाम। इसके अलावा आपको अपने डाइट के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्पाइसी चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा ऑयली चीज़ें, हैवी चीज़ें, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको ऐसी चीज़ें इंटेक करनी जो आपकी बॉडी के अंदर ताकत को बढ़ाए, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की जो विटामिन की कमी है उसको पूरा करे। अगर हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फॉलो करते हो, तो आपकी जो पार्किंसन की प्रॉब्लम थी उसको ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।